विधानसभा इलेक्शन सोलापुर दक्षिण सोलापुर 251 मतदार संघ के उम्मीदवार प्रहार जनशक्ति पक्ष के जानिब से मैं आपके सामने खड़ा हूं और इस मंच के अध्यक्ष प्रहार संगठना के संस्थापक अध्यक्ष बच्चू भाव कड़ू, हमारे जिला अध्यक्ष मस्के पाटिल साहब, शहर अध्यक्ष अजीत भाव कुलकर्णी, खालिद बनियार, जमीर भाई शेख, फैसल सालार, हमारे तेलंगाना से आए माजी आमदार शंकर राव, कंधार के आमदार कंधार के नांदेड़ के, और सभी मंच पे बैठे हमारे सभी मेरे दोस्तों, और कांग्रेस के ज्येष्ठ हमारे याकूब मुजार साहब 86 साल के हैं वो उनकी जिंदगी पूरी कांग्रेस के स्टेज पे गई, लेकिन आज मेरे स्टेज पे आए थे वो आज आपके सामने सच कहना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में 30 साल से काम किया, आप लोगों ने मुझे साथ दिया, लेकिन 2019 को जब मुझे कांग्रेस ने टिकट दी थी इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं लड़ा, उस वक्त पूरे के पूरे लोग कांग्रेस के राजीनामा देके चले गए, दक्षिण तालुके के सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी सब चले गए, मुझे अकेला छोड़े, लेकिन आप लोगों ने मुझे साथ दिया और सामने वाले मिनिस्टर को मैं पसीना निकाला, वो दवाखाने में जाके एडमिट हो गया, जब मुझे टिकट दी तो उसने क्या बोला था कि मैं अभी 1 लाख मत के आगे चुन कराऊंगा, यहां पर 1 लाख मत के आगे चुन कराऊंगा, जब प्रचार शुरू हुआ बहू प्रचार शुरू हुआ, मेरे पास पैसा नहीं कुछ नहीं, मैं सारा आदमी हूं, प्रचार शुरू हो गया, लोग जुड़ते गए, उसका पसीना छूटते गया, परेशान हो गया, ये कहां से आया बोले, जब इलेक्शन होने के बाद थोड़े मस्ती गिरने के बाद हमारे लोगों की आंखें खुली, साला अपन जरा मेहनत करते तो बाबा चुन पाता था, लोग जब ऐसा प्रचार करे, अरे बाबा को छुप ठहरा कर उसकी डिपॉजिट तो थी, क्या वो नगर सेवक है, इतने बड़े आमदार मंत्री खिलाफ लड़ सकता क्या, अरे चुमटी भी हाथी को मार सकती है, ये आप सोचो बात को जरा, कभी भी सामने वाले को कमजोर समझना नहीं। आज हमारे साथ अन्याय हुआ, कांग्रेस पार्टी को टिकट मैंने मंगाया था दक्षिण सोलापुर से, को बार बार कह रहा था कि मुझे दक्षिण सोलापुर में लड़ना है, लेकिन मुझे जानबूझकर मध्य के टिकट दिए, मैं बोला वो टिकट नहीं लेता, जब समाज के लोग कुछ बोलते हैं मुझे बताकर कि भाई हमारा लड़ना तुम्हारे लिए नुकसान है, तो बोला आपके आगे भी जाता नहीं, वो टिकट नहीं लेता हूं, पक्ष छोड़ देता हूं, तो हमारे जमीर भाई 2 महीने से मेरे पीछे लगे थे कि भाई हमारे परिवार में प्रहार में आ जाओ, चलो भाई, अगर मैं अपक्ष बढ़ता था तो सब मेरे घर पे धाड़ डाल के मुझे वापस लेते थे, आपस लोग बोलते थे बाबा पास 10 कूट लिया 5 कूट लिया भाग लिया, लेकिन जमीर भाई वो सब आए, चलो भाई प्रहार की टिकट लो और फॉर्म भरो, बोले सब लोग बोले तुम ठहरना इलेक्शन पे, हमारे सब लोग बोले साहब फोन करके बोले बाबा तुमको पीछे हटना नहीं इलेक्शन ठहरना है, मैंने इलेक्शन को ठहरा प्रहार तरफ से, लोगों का साथ मिल रहा, ये साथ कायम है साहब, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हरिद्वार के अंदर हमारे बहुत से काम बाकी है साहब, बच्चू गुरु साहब आप पूरे महाराष्ट्र में काम करते हैं, आप 287 उभारी आए थे महाराष्ट्र के, 288 आमदार है, इनको छोड़ेंगे इन्हों सबको भारी, लोग आप प्रचार करते हैं, लेकिन ये नहीं, ये दिव्यांग के वास्ते, शेतकरी के वास्ते, मजदूरों के वास्ते, गरीबों के वास्ते हमेशा लड़ते हैं, क्यों, उनके ऊपर 350 गुने दाखिल है, आज बोले हुए 350 गुने दाखिल है, वो गुने कौन से, गरीबों के लिए, शेतकरी के लिए, हमेशा लड़ते हैं, बहु
ये भाग का ऐसा मकसद है हमारा हदवाड़ा ही है। हम घर बना के रहे सो लेकिन मालक नहीं बने हुए, हम भोगड़दा रहे इसके। जब वो बाड़ा साहब थोड़ा मिनिस्टर थे, मसूल मिनिस्टर थे, उनके पास जाके काम किया, काम भी हो गया, फाइनल हो गया, 5 करोड़ रुपए कारपोरेशन तरफ में शासन को भरा भी, लेकिन भाजपा की सरकार ने वो काम अड़ाया वो। लेकिन आप उसको काम पूरा करना चाहिए आपको, हमारे हर एक प्लॉट धारक को 7 12 उतारा मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर्टी कार्ड मिलना चाहिए, काम आपको करना है वो। और यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, हमारे महिला को हाथ को काम नहीं, बीड़ी का धंधा बंद पड़ रहा है, जकाट बंद पड़ रहा है, हाथ को काम नहीं, या बहुत नौजवान बच्चों को जो है ना हाथ को काम नहीं है। हमें कुछ तो एक उद्योग की जरूरत है यहाँ पर, हम तुम्हारे ताकत के साथ साथ हम ये तो विजय निश्चित है अपना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विजय होने के बाद मैं आपसे वादा लेता हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए आपको काम करना जरूरी है, आपकी ताकत है, आप वो ताकत से कर सकते, मुझे इतनी गारंटी है। भाई यहाँ के लोग जो है हमें सब धर्म के लोग रहते हैं, खाली मुस्लिम नहीं रहते यहाँ पर, हर धर्म का जाति का आदमी यहाँ रहता है हमारे जिंदगी के अंदर, सब धर्म के लोग रहते हैं और सब बहुत अच्छे रहते हैं, कभी किसी की तकलीफ में हर आदमी के दुख सुख में जाते हैं। मेरा काम तो पूरे सोलापुर को मालूम है, जिले को मालूम है, बात मेरी तारीफ मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जब काम करते वक्त जो अड़चन आते हैं तो उसके लिए आपका साथ होना, हमको 7 दिन को एक बार पानी मिलता है, वो हमें वो परेशानी है, रोजगार की परेशानी है। आज हमारे यहाँ एक नागनाथ नगर है, वो तो नागनाथ नगर भी उसकी भी परेशानी है, हमारे गरीब लोग घर बना के रहे थे वहाँ पर एयरपोर्ट। विधानसभा इलेक्शन सोलापुर दक्षिण सोलापुर 251 मतदार संघ के उम्मीदवार प्रहार जनशक्ति पक्ष के जानिब से मैं आपके सामने खड़ा हूं और इस मंच के अध्यक्ष प्रहार संगठना के संस्थापक अध्यक्ष बच्चू भाव कड़ू, हमारे जिला अध्यक्ष मस्के पाटिल साहब, शहर अध्यक्ष अजीत भाव कुलकर्णी, खालिद बनियार, जमीर भाई शेख, फैसल सालार, हमारे तेलंगाना से आए माजी आमदार शंकर राव, कंधार के आमदार, कंधार के नांदेड़ के, और सभी मंच पे बैठे हुए हमारे सभी मेरे दोस्तों, और कांग्रेस के ज्येष्ठ हमारे याकूब मुजार साहब 86 साल के हैं वो उनकी जिंदगी पूरी कांग्रेस के स्टेज पे गई थी, लेकिन आज मेरे स्टेज पे आए थे वो आज आपके सामने सच कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में 30 साल से काम किया, आप लोगों ने मुझे साथ दिया, लेकिन 2019 को जब मुझे कांग्रेस ने टिकट दी थी इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं लड़ा, उस वक्त पूरे के पूरे लोग कांग्रेस के राजनेता के चले गए, दक्षिण तरुण के सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी सब चले गए, मुझे अकेला छोड़े, लेकिन आप लोगों ने मुझे साथ दिया और सामने वाले मिनिस्टर को मैं पसीना निकाला, वो दवाखाने में जाके एडमिट हो गया, जब मुझे टिकट दी तो उसने क्या बोला था कि मैं 1 लाख मत के आगे चुन कराऊंगा, यहां पर 1 लाख मत के आगे चुन कराऊंगा। जब प्रचार शुरू हुआ बहू, प्रचार शुरू हुआ, मेरे पास पैसा नहीं कुछ नहीं है, मैं सारा आदमी हूं, प्रचार शुरू हो गया, लोग जुड़ते गए, उसका पसीना छूटते गया, परेशान हो गया, ये कहां से आया बोले। जब इलेक्शन होने के बाद थोड़े मस्ती गिरने के बाद हमारे लोगों की आंखें खुली, साला अपन जरा मेहनत करते तो बाबा चुन पाता था, लोग जब ऐसा परेशान करे, अरे बाबा को चुप ठहरा कर, उसकी डिफॉल्ट जब्त होती, क्या वो नगर सेवक है, इतने बड़े आमदार मंत्री खिलाफ लड़ सकता क्या, अरे चुमटी भी हाथी को मार सकती है, ये आप सोचो बात को जरा, कभी भी सामने वाले को कमजोर समझना नहीं,
आज हमारे साथ अन्याय हुआ। कांग्रेस पार्टी को टिकट मैंने मंगाया था दक्षिण सोलापुर से, बार बार कह रहा था कि मुझे दक्षिण सोलापुर में लड़ना है, लेकिन मुझे जानबूझकर मध्य के टिकट दिए। मैं बोला वो टिकट नहीं लेता। जब समाज के लोग कुछ बोलते हैं मुझे बताकर कि भाई हमारा लड़ना तुम्हारे नुकसान है, तो बोला आपके आगे भी जाता नहीं, वो टिकट नहीं लेता हूं, पक्ष छोड़ देता हूं। तो हमारे जमीर भाई 2 महीने से मेरे पीछे लगे थे कि भाई हमारे परिवार में प्रहार में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, अगर मैं अपक्ष बढ़ता था तो सब मेरे घर पे धाड़ डाल के मुझे वापस लेते थे। आपस लोग बोलते थे बाबा पास 10 फुट लिया 5 फुट लिया भाग लिया। लेकिन जमीर भाई सब आए, चलो भाई प्रहार की टिकट लो और फॉर्म भरो। बोले सब लोग बोले तुम ठहरना इलेक्शन पे। हमारे सब लोग बोले साहब फोन करके बोले बाबा तुमको पीछे हटना नहीं, इलेक्शन ठहरना है। मैंने इलेक्शन तो ठहरा प्रहार तरफ से, लोगों का साथ मिल रहा, ये साथ कायम है साहब। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस हरिद्वाड़ के अंदर हमारे बहुत से काम बाकी है साहब। बच्चू गुरु साहब, आप पूरे महाराष्ट्र में काम करते हैं, आप 287 उभारी आए थे महाराष्ट्र की, 288 आमदार है, इनको छोड़ेंगे इन्होंने सबको भारी। लोग आप प्रचार करते हैं लेकिन ये नहीं, ये दिव्यांग के वास्ते, शेतकरी के वास्ते, मजदूरों के वास्ते, गरीबों के वास्ते हमेशा लड़ते हैं। क्यों? उनके ऊपर 350 गुने दाखिल है, आज बोले हुए 350 गुने दाखिल है। वो गुने कौन से? गरीबों के लिए, शेतकरी के लिए हमेशा लड़ते हैं। बहु ये भाग का ऐसा मकसद है हमारा हदवाड़ा ही। हम घर बना के रहे सोए लेकिन मालक नहीं बने हुए, हम भोगड़दार हैं इसके। जब वो बाड़ा साहब थोड़ा मिनिस्टर थे, मसूल मिनिस्टर थे, उनके पास जाके काम किया, काम भी हो गया, फाइनल हो गया, 5 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन तरफ में शासन को भरा भी, लेकिन भाजपा की सरकार ने वो काम अड़ाया वो। लेकिन आप उसको काम पूरा करना चाहिए आपको। हमारे हर एक प्लॉट धारक को 7-12 उतारा मिलना चाहिए, उसको प्रॉपर्टी कार्ड मिलना चाहिए, काम आपको करना है वो। और यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है, हमारे महिला को हाथ को काम नहीं, बीड़ी का धंधा बंद पड़ रहा है, जकाट बंद पड़ रहा है, हाथ को काम नहीं। या बहुत नौजवान बच्चों को जो है ना हाथ को काम नहीं है। हमें कुछ तो एक उद्योग की जरूरत है यहाँ पर। हम तुम्हारे ताकत के साथ साथ हम ये तो बहुत विजय निश्चित है अपना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विजय होने के बाद मैं आपसे वादा लेता हूँ कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए आपको काम करना जरूरी है। आपकी ताकत है, आप वो ताकत से कर सकते, मुझे इतनी गारंटी है। बहु यहाँ के लोग जो है हमें सब धर्म के लोग रहते हैं, खाली मुस्लिम नहीं रहते यहाँ पर, हर धर्म का जाति का आदमी यहाँ रहता है हमारे जिंदगी के अंदर। सब धर्म के लोग रहते हैं और सब बहुत अच्छे रहते हैं, कभी किसी की तकलीफ में हर आदमी के दुख सुख में जाते हैं। मेरा काम तो पूरे सोलापुर को मालूम है, जिले को मालूम है, बात मेरी तारीफ मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जब काम करते वक्त जो अड़चन आते तो उसके लिए आपका साथ होना, हमको 7 दिन को एक बार पानी मिलता है, वो परेशानी है। रोजगार की परेशानी है, आज हमारे यहाँ एक नागनाथ नगर है, वो तो नागनाथ नगर भी उसकी भी परेशानी है। हमारे गरीब लोग घर बना के रहे थे वहाँ पर एयरपोर्ट।